हेलो जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई अक्सर आप देखते हैं, हमेशा मैं घर से व्लॉग शुरू करता हूँ, लेकिन भाई आज का व्लॉग हमने यहाँ आके शुरू करना था। क्यों? मगर क्यों? क्या भाई वजह ये थी कि आपको कुछ व्यू दिखाना था आपको। यार आज का व्यू आप लोग देखेंगे, आप लोग खुश हो जाएंगे। रहा नहीं जाता, ये व्यू इतना जबरदस्त आ रहा है। और हम लोग जिस जगह पे आए हैं वो भी आपको बताते हैं हम कहाँ आए हैं। तो पहले तो आप ये व्यू देखें। व्यू देखा कितना जबरदस्त व्यू है। अभी हम जा रहे हैं नीचे पानी की तरफ, वो भी दिखाते हैं आपको साथ साथ। उवैद भाई भी हमारे साथ मौजूद है आज, और चश्मा वश्मा लगाए हुए, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ तो जी, हम जा रहे थे पहले नीचे उस तरफ, पहले जहाँ से हमने गाड़ी खड़ी करी थी, लेकिन भाई उवैद भाई का कहना था कि यार नहीं, वो आगे जो वाइट वाले पत्थर पड़े हुए, इस जगह अभी हम आए हुए सारे वाइट पत्थर हैं, तो बस इस जगह उबैद भाई ने बोला कि यार हमने आगे चलना है और आगे चल के बैठेंगे। तो बस फिलहाल हम अभी आगे बड़ी मुश्किल से आगे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे चलने का रास्ता सही है नहीं, वरना मूवी बनाते आपके लिए, पूरी वीडियो बना के आपको दिखाते, लेकिन खुद ही इतनी मुश्किल से आए तो मूवी तो बहुत दूर की बात है बनाना। तो बस लेकिन फिलहाल हम आ चुके हैं और यहाँ पर अभी हम वेट कर रहे हैं किसका, खुली हवाओं का। हवा थोड़ी सी कम है आज, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, गर्मी लग रही है, या तो हम चल के आए हाइकिंग करी हमने थोड़ी सी, इस वजह से शायद हमारी गर्मी लग रही है, लेकिन हवा इस वक्त थोड़ी कम लग रही है। तो आपको अभी आगे का व्यू दिखाते हैं, आगे का व्यू चेक करें आप। वही ये जगह है जहाँ पे हमने आके बैठना था, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। वेद क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे व्यूवर भी ठीक हैं, पसीने तो बहुत निकले हैं। ये कि अभी आप बताएं आपका कैसा व्यू रहा है यहाँ का? माशाल्लाह। अच्छा, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी समंदर है जहाँ बैठे हैं, और हमारे बैक पे भी समंदर है, तो दोनों तरफ समंदर है, बीच में एक रास्ता बनाया हुआ। रास्ता तो खैर नहीं है, पत्थर डाले हुए बड़े बड़े वाइट कलर के, तो बस इसमें चल चल के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अभी भी बहुत आगे तक जा सकते थे, लेकिन आगे हम यूँ नहीं जा रहे क्योंकि हमारी यहीं तक आने में हो चुकी है बस। तो अभी जब ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं, उस तरफ का व्यू जो है वो भी अभी आपको हम दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग कहाँ से चल के आए हैं, कहाँ से हम लोग वापसी जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर हैं और आगे ये पत्थर इस तरह ही जा रहे हैं। उबैद जा रहा है वो पार करते करते, अब हम भी जाएंगे, लेकिन मोबाइल बंद करके जाएंगे, बड़ा मुश्किल है यहाँ से जाना भी। तो गाइस फाइनली जो है बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ वापसी बाहर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ देखिए सामने कश्ती चली है, जाल बिछा रहे हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, और हवा में बैठी है, माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा है। तो बस चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे का व्यू दिखाते हैं आपको, आ जाए हमारे साथ। तो यहाँ का व्यू दिखाते हैं, उस तरफ का व्यू आप लोगों ने देख लिया, देख सकते हैं यहाँ पर बड़े ख़तरनाक पत्थर हैं जिनके ऊपर से चल सकते हैं। तो ये बंदा हमारा तैर रहा है, और ये व्यू है इस तरफ का। अगर ये मैं आगे दिखाऊं तो ये आगे इस तरह का फुल टर्न हो रहा है। सीन ये है कि उबैद भाई कहने यार इधर नीचे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बैठते हैं, पहले वहाँ पे भी बैठ गए हम लोग, पत्थरों के अंदर गया, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा साफ़ सुथरा है और सुकून से उतर भी सकते हैं, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। तो वह उतर के नीचे बैठते हैं और फिर आपको नीचे भी चलते हुए दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह हम नीचे जाएंगे, बड़ा ख़तरनाक है नीचे जाना भाई, बिल्कुल स्लिपरी पत्थर है ये देख सकते हैं आप, और हमने नीचे जाना है। उबैद चले नीचे, ये देख सकते हैं आप इसकी हरकतें। तो भाई चलते हैं नीचे, ये फिलहाल बड़ा ख़तरनाक रोड है, ये देख सकते हैं आप लोग, आ जाए आ जाए आ जाए। ये भाई निकले हमारे नहा के, तैर रहे थे भाई नीचे, ये वजह नहीं, जैकेट की वजह से बचे हुए थे, वैसे ही आपको तैरना आता है। चलें भाई को तैरना भी आता है माशाल्लाह, और चलते हैं नीचे और आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। बाप रे, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, इससे नीचे नहीं जा सकते भाई, यहीं पर ही रोक देंगे और यहीं से व्यू दिखाते हैं आप लोग।
दिखाते हैं, एक तरह को बंदा मिल गया हमें, वो भी चेक कर रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। डुबकी मारेगा भी आप देखिएगा, ये क्या है, ये तो टट्टी है। ए, गया। नहीं नहीं अभी नहीं गया, मेरी साथ ले रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई जवान को तैरना आता है यार, मैं तो वैसे ही बोल रहा था कि तैरना नहीं आता, जैकेट पहना हुआ है, उसको सिखा रहा है। अच्छा भाई ये इसको ट्रेनिंग दे रहा है भाई जवान, तो आता नहीं है। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। तो वेद कह रहा है भाई जो जिसको सिखा रहे हैं ना उसके लग गए पकौड़े। तो पकौड़े क्या होता भाई? तो पकौड़े लग गया मतलब वो बर्दाश्त आ रहा है। अभी भी आपको दिखाते हैं देखें। तो भाई अब वापसी जा रहे हैं भाल की तरफ, और अब जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग का जो व्यू है ना वो अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की व्यू हमने जो आपको दिखाया नहीं था, तो आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। आगे का व्यू देखें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये जगह किस तरह लगी और कैसी लगी है। नीला पानी है, एकदम नीला पानी। तो भाई आगे नीचे जा रहे हैं हम, ये उस पहले गए थे उस पार और अब जाना है इस पार। तो अब नीचे का व्यू दिखाता है भाई, नीचे तो चल रहे हैं कीड़े। उबेद नहीं, उबेद नीचे कीड़े चल रहे हैं, उबेद नीचे कीड़े चल रहे हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जा भाई, यहाँ कीड़े चल रहे हैं, मैंने देखे हैं अभी कीड़े चलते हुए। तो भाई बड़ी स्पीड वाले कीड़े हैं यहाँ पे, अगर कैमरे में नज़र आता दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देख सकते हैं अभी कीड़ा यहाँ पे था, इतना बड़ा बड़ा दो तीन कीड़े थे, भाग गए हमें देख के हैं यार। एक जगह ये है बड़ी वाली, यहाँ पे आप पत्थर को भिड़ो। तो गाइस सीन कुछ यूँ है, यहाँ पे शिकार भी बड़ी, काफ़ी लोग जो है हमें शिकार कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मछलियाँ जो है ना किनारों पे आ जाती हैं यहाँ पे, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ से नज़र आ रहे शिकार कर रहे हैं। और आगे देख सकते हैं जो है ना शिपें भी काफ़ी सारी आगे आई हुई हैं, जो है ना अपने जाल बिछा रही हैं। देखें ब्लैक कलर का झंडा अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये जो है ना इन लोगों ने जाल बिछा के गए भी हमारे सामने ही। और एक भाई ये यहाँ पे इन्होंने डोर डाली हुई है मछली पकड़ने के लिए, और एक जो है पागल कहीं का हमारे साथ आया हुआ है। ये भी देखो इसको ऐसा लग रहा है लोटे की जरूरत है, पीछे देख सकते हैं आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ तो गाइस सीन देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं साहिल के किनारे पे, हो रहा बिल्कुल साहिल का किनारा। और सीन अब ये है कि हमने जाना तो उस तरफ, लेकिन हम देख रहे हैं यार वहाँ पे जो है सिर्फ फैमिलियाँ आ रही हैं और हम दोनों अकेले आए हैं, समझो हम क्यों ना यहीं पर ही स्टे कर लेते हैं। तो हमने सोचा अब यहाँ पर स्टे करते हैं, नीचे जाते हैं हम, नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, उबैद हो रहा है नीचे और ये व्यू देखें नीचे का। तो बस फिर बोला यार यहीं पर ही रहते हैं, यहीं से वीडियो कवर करके फिर वापसी घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पर जो है ना ज़्यादातर फैमिली ही हैं, और इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे, क्योंकि देखो वहाँ पर जो है ना सिर्फ खाली है ना, कुछ खाने पीने की है ना कुछ है वहाँ पर, हमने बोला बस यहीं पर ही चलते हैं, यहाँ से वीडियो कवर करके वापस। अच्छा मेरा ये कहना है कि भाई आप लोगों ने जो है ना यहाँ का चक्कर एकदम लाजमी लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो कहाँ आते हैं सी बी ओ से दो दरिया से वापसी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस जगह पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो भी ये जगह विज़िट करें, क्योंकि खाली है बिल्कुल, ज़्यादा लोगों को पता नहीं तो ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ पर, आप तो मेरे पीछे देख सकते हैं ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पर ना। तो बस आप लोग आएँ, फैमिली अच्छी फैमिली आ रही है यहाँ पर माशाल्लाह, देख सकते हैं गाड़ी वाले सारे। तो मेरा भी कहना है कि आप लोग यहाँ पर लाजमी आइएगा। हम नीचे और नीचे का भी विज़िट कराते हैं आपको, उबैद ऑलरेडी नीचे मौजूद है और अब हम भी चलते हैं नीचे। थोड़े से ख़राब रास्ते हैं आप देख सकते हैं, बड़ा मुश्किल से जाना होता है यहाँ पर, पत्थर इतने बड़े बड़े और स्लिपरी पत्थर हैं बिल्कुल ना। तो अब चलते हैं नीचे, आ गए हम नीचे और थोड़ा सा नीचे जाके बैठेंगे अब, ये देख सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पर जो है ना कीड़े भी हैं भाई, बड़ा ध्यान से हमने जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि काट वाट ना लेना कीड़े कोई। और नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं, और तो भाई ये आ गए हम सबसे ज़्यादा नीचे यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और ये व्यू देखें, प्योर नीला पानी है बिल्कुल। तो भाई अब सीन कुछ यूँ हैं, व्यू हमने सारे ले लिए, मगरिब का टाइम हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, टाइम क्यों नहीं आ रहा, ये आ गए 6:30, तो 6:30 हो रहे हैं इस वक्त, थक गए हम लोग भी, बस वीडियो बनाते बनाते अब जो है निकलने वाली करते हैं यहाँ से, क्या बोलते हो भाई चलें? चलो यार। तो वैद भी बोल रहा है यार उसकी दादी का 40वां है, तो बस चलते हैं वापसी।
40 है कि 30 है? 30 है भाई, तो 30 वर्ष की दादी का, उसकी भी नहीं आते आज, तो बस चलते हैं वापसी घर की तरफ। और ये लास्ट व्यू देख सकते हैं आप, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, एक जो सामने आप लोगों को टावर नज़र आ रहा है ना, इसमें जो बंदे देखें ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ी के जरिए ना, तो उसमें सीढ़ी है स्ट्रेट लंबी, अगर आप बोलते तो ऊपर जाके भी आपको दिखाते। उबैद भाई का पूरा मूड था कि यार मैं ऊपर चढ़ के एक व्यू लूँ, लेकिन मेरे को मना कर दिया यार, क्योंकि ये तकरीबन नहीं तो नहीं ना, ये 7-8 मंजिला के करीब है ये जो टावर खड़ा हुआ है। तो उबैद बोला था इसमें चलते हैं ऊपर, मैंने कहा नहीं उबैद रहने दो, बाद में कभी जो है ना कभी सही तरीके वाली सीढ़ी लग जाएगी ना तो फिर जाएंगे, क्योंकि अभी स्ट्रेट सीढ़ी लगी है। भाई वापसी जा रहे हैं घर की तरफ, अब जाना है हमने यहीं से चढ़ के ऊपर, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, बस यहाँ से चलते हैं वापसी ऊपर। और अभी साहिल पे कौन किनारे पे लेके चलते हैं आपको, वहाँ पर भी छोटा सा व्यू लेते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो रहिए हमारे साथ, आ जाएं। बड़ा ख़तरनाक रास्ता भाई ये, हम तो किनारे के ऊपर आ गए, बट अब चलते हैं सामने की तरफ जो किनारा बना हुआ है, देख सकते हैं व्यू। नहीं यहाँ चलते हैं, गाड़ी हमारी यहीं खड़ी हुई है, चलते हैं वहाँ कोने पे। और गाइस एक छोटा सा व्यू आपको दिखाते हुए चलूँ, यहाँ पे अब सूरज गुरूप होने का टाइम हो चुका है, आप वो सूरज गुरूप होते हुए देखिएगा मेरे साथ में, ये देखें सूरज गुरूप होते हुए, इतना ज़बरदस्त व्यू है, आप चेक कर सकते हैं, ये सूरज गुरूप हो रहा है, मंदिर का टाइम भी हो चुका है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है माशाल्लाह। भाई अल्हम्दुलिल्लाह साहिल पर आ चुके हैं, और साहिल का व्यू अब आप देखिएगा ज़रा, माशाल्लाह कुदरत के नज़ारे हैं ये देख सकते हैं अब आप। अच्छा यहाँ पे जो है ना कुछ मैंने देखा भी, ये देखें दिल विल बनाया हुआ, कोई आशिक प्रेमी आया हुआ था, ये देख सकते हैं आप, पता नहीं हम लिख के गए ये साहबजादे, पता नहीं कौन थे, खैर वो जाने उनके काम जाने, हम आपको ये व्यू दिखा देते हैं, व्यू चेक करें अब, ये एकदम साफ सुथरा, कोई कह नहीं सकता ये सीवीओ के करीब है, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई कचरा नहीं है, सिर्फ पानी है और नीला पानी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, बड़ी खूबसूरती का नज़ारा ही है, और सामने जो है सूरज गुरूप हो रहा है। तो भाई वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, इसी भी जगह है हमारे कराची के अंदर, तो बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है हमारे को, लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा। अच्छा ये सामने देख सकते हैं कश्ती खींच के लेकर जा रहे हैं अंदर, वो लोग घेरे पानी में थकेंगे, कश्ती चल सके भाई, भाई हम चलते हैं थोड़ा पानी की तरफ। अच्छा जूते पहने हुए, जूते गीले हो जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आगे भी नहीं जाएंगे पानी के। अरे 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 बस 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 पकड़ा पकड़ा यार मैंने यहाँ पे, अभी भी वहाँ गया। हाँ तो गाइस व्लॉग का करते हैं यहीं पर ही एंड, उम्मीद है आप लोगों का व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस वीडियो को करना है शेयर, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और भाई देख सकते हैं आप व्यू पीछे का, बस इस व्यू के साथ एंड करेंगे, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए इस वीडियो में, मुझे आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो भाई ज़्यादा से मुझे इस वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।